स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशंस के लिए। तो यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशंस जो है आपके क्रोमोसोम के लेवल पे भी हो सकते हैं, एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, या इसके अलावा जो है ये अगर लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे हो रहा है तो या तो एट द लेवल ऑफ क्रोमोजोम हो या तो लेवल ऑफ डीएनए हो। क्रोमोजोम के लेवल पे है तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन हो सकता है भैया, और अगर ये डीएनए के लेवल पे है, क्रोमोजोम के लेवल पे, उसकी रीमॉडलिंग भी की जा सकती है। हिस्टोन मॉडिफिकेशन में एसिटाइलेशन हो सकता है, एसिटाइलेशन लाइसिन पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करेगा। मेथाइलेशन के केस में ध्यान रखना लाइसिन और आर्जिनिन पे H3K4 पे ऑन करता है, ठीक है। जितना बता रहा हूँ इतना भी अगर करोगे ना बहुत हो जाएगा। H3 का मतलब है हिस्टोन 3, H3K4 कई बार समझ में नहीं आ रहा हूँ व्हाट इज H3K4। अगर पहला क्लास देखा होगा मैंने हिस्टोन के बारे में बताया था, H3 क्या है, H3 इज लाइक हिस्टोन 3, ये जो है हिस्टोन 3 प्रोटीन है, और इसके लाइसिन के का मतलब लाइसिन, फोर्थ नंबर ऑफ लाइसिन पे, ठीक है, लाइसिन पे अगर मेथाइलेशन करते हैं तो ऑन करेगा, बाकी H3K9 या H3K27 पे करेंगे ट्राइमेथाइलेशन तो ऑफ करेगा। फॉस्फोरिलेशन ऑन करता है सेरीन और थियोनिन पे, यूबीक्यूटिनाइलेशन ऑफ करता है लाइसिन पे, ठीक है। न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग के लिए चेंज इन द स्ट्रक्चर बाय द CRC क्रोमोसोमल रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें जो होते हैं H2A H2B के वेरियंट्स का यूज किया जाता है, ठीक है, H2A H2B का वेरियंट्स का यूज किया जाता है, एंड मोस्टली जो होते हैं H3 and H4 जो होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं कंजर्व्ड होते हैं, एंड एट द साइटोसिन 5th पोजीशन ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ऑफ पाया जाता है अगर हम CpG मेथाइलेशन करें। यहाँ पे क्या होता है मल्टीपल CG सीक्वेंसेस पे, CG के रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं जिसपे कि आप मेथाइलेट करते हो, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस को लेके उसके सी पे 5th पोजीशन पे जो कि ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ कर रहा होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे फेरिटिन मीडिएटेड या RNA इंटरफेरेंस, फेरिटिन आयरन के ऊपर होता है, या तो लो लेवल आयरन या तो हाई लेवल आयरन। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है फेरिटिन, एक होता है ट्रांसफेरिन, ठीक है। व्हाट इज फेरिटिन एंड ट्रांसफेरिन, मैं रोल बता देता हूं तो आपका मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। फेरिटिन जो है ये फेरिटिन इज यूज्ड फॉर आयरन मेटाबॉलिज्म, ये जो है आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए होगा। एंड ट्रांसफेरिन, जैसा कि नाम पता है ट्रांसफेरिन, मतलब ये जो है ये आयरन के ट्रांसपोर्ट के लिए होगा, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए। देखो जब अगर लो लेवल ऑफ आयरन है तो सीधी सी बात है कि आयरन की कमी है तो हमें ट्रांसपोर्ट कराने की जरूरत है, मेटाबॉलिज्म तो नहीं करा पाएंगे। सो दिस इज नो फेरिटिन इज देयर, देखिए कोई भी फेरिटिन नहीं है बट ट्रांसफेरिन इज देयर, ट्रांसफेरिन पैदा हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमें उसको ट्रांसफर कराना है बाहर के मीडिया से। अगर हाई लेवल ऑफ आयरन है तो हमें किसी भी ट्रांसफेरिन की जरूरत नहीं है लेकिन फेरिटिन की जरूरत है, नो ट्रांसफेरिन बट फेरिटिन शुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके साथ siRNA, miRNA, piRNA इज द टाइप ऑफ RNA इंटरफेरेंस, जहां पे RNA इंटरफेयर करता है कैटालिटिक एक्टिविटी के थ्रू। miRNA और piRNA ट्रांसलेशन को अरेस्ट करते हैं जबकि siRNA डिग्रेडेशन करता है। दीज आर द वेरियस यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। इसके लिए अगर कुछ कुछ चीजें देखेंगे तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन के केसेस में जब हमने बात किया था तो एसिटाइलेशन जैसे बताया, एसिटाइलेशन एट लाइसिन पे पा जा रहा, देखिए एसिटाइलेशन। मेथाइलेशन अलग अलग जगहों पे H3 के आर्जिनिन, H4 के अलग अलग जगहों पे पा जाता है, आर्जिनिन और लाइसिन के H3 और H4 पे पा जाता है। अभी मैंने इसको आपको बताया था कि अगर H3 के K4 पे है, अगर H3 के K4 पे है तो ये हो जाएगा ऑन, और अगर ये जो है H3 के K9 या H3 के K27 पे है तो ये हो जाएगा। इसके अलावा फॉस्फोराइलेशन इज देयर, फॉस्फोराइलेशन है सेरीन और थ्रियोनिन पे, H3H4 के होता है, ऑन करता है। यूबीक्यूटिनाइलेशन के लिए 3 एंजाइम्स मैंने आपको पहले ही बायोकेमिस्ट्री में इसको डिस्कस कर रखा हूँ, एंजाइम 1 जो एक्टिवेटिंग है, फिर कॉन्जुगेटिंग है, फिर लाइगेटिंग है, 3 एंजाइम्स आपको बताए गए थे। एक तो आपका बताया गया था एक्टिवेटिंग, E1 जो है एक्टिवेट करेगा, E2 जो है कॉन्जुगेट करेगा, कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, एंड देन आफ्टर दैट देयर इज अ लाइगेटिंग एंजाइम, लाइगेटिंग एंजाइम हो जाएगा। ये यूबीक्यूटिनाइलेशन को ऐड करेगा जो कि किसी भी जीन को, प्रोटीन को तोड़ के ऑफ कराने का काम करता है। एंड ट्रांसक्रिप्शन में अगर मेथाइलेशन एंड यूबीक्यूटिनाइलेशन होता है तो ऑफ होता है जनरली, नॉट ऑलवेज, ठीक है, जनरली, क्योंकि यहाँ पे देखो मेथाइलेशन के बाद भी ऑन होता है H3KO4 पे, एक एक्सेप्शन केस आपको बताया जा रहा है, तो ये जो है जनरली बताया जा रहा है, नॉट ऑलवेज।
एंड अगर हम बात करें एसिटाइलेशन एंड फॉस्फोरेशन तो ये ऑन करते हैं जनरली, ठीक है ना। तो देखिएगा वही सारे हिस्टोन मॉडिफिकेशंस में आपको बताया गया कि अलग अलग ज्यादातर मॉडिफिकेशंस किसके होते हैं, H3NH4 के। सीयर H3K9 अगर है तो ये एक्टिवेशन करता है आपका ट्राइमेथाइलेस, नॉर्मली H3K4 है देखिए, एक्टिवेशन कर रहा है आपका H3K9, रिप्रेशन कर रहा है, 27 रिप्रेशन कर रहा है, 70 एक्टिवेशन रिप्रेशन कर रहा है। तो ट्राइमेथाइलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके अलावा अलग अलग मेथाइलेशन होते हैं मोनो डाई, बट ट्राई ज्यादातर पूछा जाता है। मोनो को याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोनो मेथाइलेशन हर जगह एक्टिवेट कर रहा है। ध्यान देने की कोशिश करिएगा दैट हिस्टोन का मोनो मेथाइलेशन क्या कर रहा है, हमेशा एक्टिवेट करेगा। मोनो मेथाइलेशन जो है अगर आपने किया तो ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा किसी भी H3 पे करो, H4 पे करो, H2 पे करो, कुछ भी करो, ठीक है। और इसके अलावा जो है डाइमेथाइलेशन जनरली रिप्लेस कर रहा है 9 और 27 पे ही, 79 को एक्टिवेट करने का काम करे तो 79 को एक्टिवेट करे, बट 27, 9 एंड K4 ये तीन जो है आपको याद होना चाहिए, उसके लिए ट्राइमेथाइलेशन क्लियर है, ठीक है ना। एसिटाइलेशन जो होता है K9 पे करता है, K14 पे करता है, एक्टिवेशन के लिए पाया जाता है, जो कि आपको बताया गया था एसिटाइलेशन जो है एक्टिवेट करेगा। इसके अलावा क्रोमोसोम रीमॉडलिंग के लिए आपको डिस्कस किया गया था, एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस इज देयर, इट इज एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस, एड और रिमूव सर्टेन केमिकल ग्रुप्स किसको करता है, डीएनए ट्रांसलोकेस यूज करता है। सीआरसी इज अ क्रोमोसोमल रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस, इसके पास कई सारे डोमेन होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं कई अलग अलग पार्ट के लिए, जैसे जिसके पास SWI या SNF डोमेन होता है, दैट इज लाइक ब्रोमोडोमेन। ब्रोमोडोमेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिटाइलेटेड हिस्टोन रिकॉग्निशन, एंड इज लाइक CHD दैट क्रोमोडोमेन, ये होता है आपके मेथाइलेटेड के लिए। MI2, MI का फोन है, MI2 समझ लो मेथाइलेटेड हिस्टोन के लिए। मैकेनिज्म क्या होता है, पहले न्यूक्लियोसोम की स्लाइड करेगा, अगर आपको याद आ रहा हो तो न्यूक्लियोसोम कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है बताया गया है, पूरा का पूरा ऑक्टामर कैसे किस तरीके से, व्हेन यू रिमेम्बर दैट अगर आपको याद हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो दिस इज लाइक कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर था जिसपे क्या था, डीएनए इस तरीके से रैप्ड फॉर्म में थे। तो इसमें क्या करता है कि इस पर्टिकुलर ऑक्टा इसमें क्या होता है कि ऊपर की तरह H2A एंड H2B पाया जाता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो H2A H2B होता है, फिर H3H4 का एक टेट्रामर होता है, फिर H3H4 का टेट्रामर होता है, एंड देन H2A H2B का होता है। ये एक्चुअल में इस तरीके से ऑक्टामर होता है इस तरीके से फॉर्म में, ठीक है, ये जो होता है पाया जाता है। तो इसमें क्या करता है, पहले ये रिमूव करता है, स्लाइड करेगा खुद को और इजेक्ट H2A ऑक्टामर, ऑक्टामर को इजेक्ट किया, रिमूवल ऑफ H2A H2B डाइमर, इसमें क्या होगा कि ऊपर वाला हिस्सा जो है निकल जाएगा, H2A H2B डाइमर को हटा देगा, सिर्फ H3H4 जो है यहाँ पे बचा रहेगा, और इन पे जो है फिर नए वाले हिस्से को, नए हिस्टोन्स को रिप्लेस करेगा डाइमर। तो H3H4 के केसेस में जो कि H3H4 पे अब नए पार्ट को लेके आ जाएगा, ठीक है। तो H2A का नया, H2B का नया, और इस तरीके से H2A H2B का नया पोर्शन लेके आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द केस फॉर This particular chromosome remodeling, ये करता है। मिथाइलेशन जो आपको बताया गया था फिफ्थ टर्मिनल पे होता है, CpG डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, मिथाइल डोनर इज अ सैम, सैम वो सैम नहीं है जो कि आपके कहते हैं कि गया था पणजी में, ठीक है, वहां पे गया था जब, आपको पता है कि दृश्य देखी होगी सबने, तो वो सैम नहीं है, ठीक है। एस एडिनोसिल मेथियोलिन यहाँ पे पाया जा रहा है, एंजाइम DMMT पाया जाता है, DNA मिथाइल ट्रांसफरेज, मिथाइलेशन स्टेबिलिटी के लिए होता है और ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ करता है, अगर कहीं पे भी मिथाइलेशन है तो ऑफ करेगा, नहीं मिथाइलेशन है तो ऑन होगा, मिथाइलेशन चाहे प्रमोटर रीजन पे हो चाहे ना हो वो अल्टीमेटली ऑफ करेगा। नाउ ये है ट्रांसफरिंग रेगुलेटेड, यहाँ पे तो मैंने सारी चीजें देखी, देखिए ट्रांसफरिंग रेगुलेटेड पे दो अलग अलग, फेरिटिन राइट साइड में होता है और ट्रांसफरिन जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। अगर लो आयरन होता है, देखिए लो आयरन है तो हमें यहाँ पे IRE प्रोटीन जो है वो IRE बाइंडिंग प्रोटीन, दैट इज IRE रिस्पॉन्स एलिमेंट होता है, और IBP जो होता है आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। सो यहाँ पे जो होता है कि आयरन बाइंडिंग प्रोटीन IBP जो है वो कहाँ पे बाइंड कर रहा है, वो IRE से बाइंड किया, दिस इज लाइक IRE बाइंडिंग प्रोटीन है,
ये आईबीपी है और एक नीचे जो है आईआरडी पाया जा रहा है। ये बाइंड कर लिए आईबीपी एंड आईआरडी। जब ये बाइंड करेंगे तो देखिएगा कि इसकी वजह से आपका ये आगे का पूरा रुक जाता है, फेरिन जो है नहीं मिलेगा। क्यों? वैसे भी आपको कॉमन सेंस कहता है कि लो आयरन पे फेरिटिन नहीं चाहिए, क्योंकि तो हमें फेरिटिन मेटाबॉलिज्म कर, आयरन ही नहीं मेटाबॉलिज्म क्या कराएंगे, तो ट्रांसलेशन नहीं होता, हमें ट्रांसपोर्ट कराने की जरूरत है। इसी वजह से ट्रांसफेरिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसफेरिन बनता है जो कि ट्रांसपोर्ट आयरन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, भैया कमी है लेके आओ। और इसी तरीके से जब हम बात करेंगे, देखिए आयरन आया, आयरन क्या किया, आईबीपी से बाइंड किया। जैसे ही आयरन आईबीपी से बाइंड किया, आईआरई फ्री हुआ, आईआरई फ्री हुआ तो यहाँ पे अब देखो आयरन है तो फेरिटीन बनेगा, और जब ये इस तरीके से होगा तो एमआरपी कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा ट्रांसफरिन का। हाई आयरन के केस में क्या बन रहा है? फेरिटीन। लो आयरन के केस में ट्रांसफरिन, ठीक है ना। लेट्स लाइक एमआईआरएनए, एनएसआईआरएनए डिग्रेडेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो दिस इज द केस। एसआईआरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, कोई भी हेयर पिन लूप नहीं होता, साइटोसोल में पार होता है, इट इज प्रोसेस्ड बाय द डाइसर ओनली, कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, रिस्क डिपेंडेंट है, ऑर्गेनेट स्ट्रक्चर है, प्रोसेस्ड बाय द डाइसर ओनली, सिर्फ डाइसर से होता है, ये सिंथेटिक भी हो सकता है, एमआरएनए को डिग्रेड करता है, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो आपको बताया जाता है साइटोसोल में होता है, जबकि एमआईआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ये जल्दी न्यूक्लियस पे पाया जाता है, हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बनता है इसमें, ये प्री आरएनए न्यूक्लियस में डोर्सा से प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद आपका डाइसर होगा, डोर्सा एंड डीजीसीआर 8 इससे प्रोसेस होके आएगा ये आपके साइटोसोल में। उसके बाद ये है रिस्क डिपेंडेंट इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर होता है, दिस इज वन एलेगोनेट, ये डोर्सा और डाइसर दोनों से प्रोसेस हो रहा है एंड ये ट्रांसलेशन को ब्लॉक करता है। दीज आर द सम बेसिक डिफरेंसेस व्हेन यू सी दैट थिंग। यहाँ पे देखिए वही चीज है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज क्लीव्ड बाय द डाइसर, क्लीव किया टू प्रोड्यूस स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, देखिए स्मॉल आईआरएनए बना इंटरफेरिंग, दीज एसआईआरएनए कंबाइंड विद द प्रोटीन टू फॉर्म रिस्क, ये प्रोटीन से कंबाइन करेंगे और रिस्क कॉम्प्लेक्स करेंगे, एंड दे पेयर विद द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री वहां पेयर करेगा, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ क्लीवेज डिग्रेडेशन करती है। बट इन द केस अदर लाइक अदर डबल स्टैंडर्ड रीजंस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स क्लीव्ड बाय द डाइसर्स, क्लीव करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो लूप बना हुआ, सम एमआईआरएनए कंबाइन विद द प्रोटीन्स एंड फॉर्म द रिस्क, एंड जिससे कि ये क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन को अरेस्ट करेगा, विच लीड्स द इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन, क्लीव नहीं करता इनहिबिट कर देता, ठीक है। सो होप यू गाइस कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, दिस इज द केस ऑफ यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंड होप कि आपको कोई भी क्वेरीज है तो जरूर बताइएगा ग्रुप में, अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे हो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, आपकी हर परेशानी का है समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो मुकाम। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्सेज फॉर सीएसआईआर 2024, मिलेगा आपको यहाँ सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, 1-to-1 डाउट सेशन और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट और डाउनलोड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, यूज कोड वेट20 फॉर 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।